जिक्र नबीदा कर दिया रहना, जिक्र नबीदा कर दिया रहना, चंपा लगदा जनाब मोहतरम साहबजादा वाला शान साहबजादा बरकत हुसैन शाह साहिब, साहबजादा असनाद अहमद शाह साहिब, साहबजादा आफ्ताब अहमद साहिब, साहबजादा गुलाम अहमद साहिब, ज़ाद अल्लाह इल्मान का व उमर का व अमन का, और जितने भी हजरात पानी दी इस बाबरकत नाशिस और बाफरदत हाजिर हो, दुआ है अल्लाह करीम जनाब मोहतरम फौजी नजीर साहिब उन्हदा और उन्हदे साहबजादियां का ए तमाम इंसलाम करना अपनी बारगाह अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमा के अल्लाह मेरी ज़बान ते कलमतुल हक़ जारी फरमा के मैं और तुहानू उसके उत्ते अमल दी तौफीकत फरमाए। और चूंकि मेरे तो बाद में खिताब है तो मैं इंशाअल्लाह ज्यादा टाइम नहीं दवांगा, आपने टाइम दे दायरे अंदर रह के मैं चंद कलिमात आप अहबाब की शमाता दे हवाले करांगा, और वो जागदियां जागदियां चंद जुमले मेरे सुनने ने, दुआ करो अल्लाह करीम के साड़ी सारी हाजरी नो अपनी बारगाह अंदर शर्फ़े कबूली अता फरमाए। बरादरी की कदर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करा, लोग साडे उत्ते एतराज भी करते ने कि ये मिलाद कितने लिखा है, सुनिया वो मिलाद क्यों मनाते हो, अगर हदीस मुबारक ने दलाल देवा तो अंबार मुहदसी ने कराम ने लगाए ने, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बड़ी सादा जी गल करना चाहना है, जे कोई सवाल करे मिलाद कितने लिखा हुआ है उसको जवाब एक जवाब देनी ए मिलाद अल्लाह ने सुनिया दिया नसीबा अंदर लिख दिया जिक्र करना साड़िया नसीबा अंदर चलिया है, मैं आखसा सुनिया तू बख्ता आना है तू तो कदरा आना है, अल्लाह ने तुहानू और मेरे मुस्तफा का जिक्र करने वास्ते चुन लिया है, मुंतखब फरमा लिया है। तो जैसे हजरत अलामा मुफ्ती साहब ने बड़े तजद्दुद के अंदाज के नाल तुहानू और मेरे मुस्तफा करीम दी आमीन दा तज़किरा बयान फरमाया, हम फरमा रहे सन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो मैं हजरत इब्राहिम की दुआ बन के आया, ये हदीस मुबारक के अल्फाज़ हैं।
अलावा मुल्ला अली कारी साहिब श्री बुखारी, आपने अपनी किताब मिलादुन नबी की किताब है अपनी उसके अंदर आपने इस हदीस मुबारक को कोट किया है, नकल किया है। मैं वो तो सदमे के वजह सुनावा, मेरे करीम आका दुनिया ते आए ते मेरे आका ने अपनी जबान ते नाल अपनी शान को बयान फरमाया। आज तुम्हारे मैं शान बयान कर गए ना तो मेरे दोस्तों एटी चास नहीं, एटा मसा नहीं, एटा मेरा मुकद्दर है बखत है ये नास की कर, लेकिन खुदा की कसम है वो शान का आलम क्या होगा, शान वादा अपनी शान को खुद अपनी जबान का बयान करवा दे। इस हदीस मुबारक की शरह अंदर बाद में लिखा है कि एक करीम आका ने अपनी जवानी अंदर या नबुव्वत तो बाद मेरे आका ने ये अपनी शान बयान फरमाया। बाद बहुत सीने के राम ने फरमाया जो ही मेरे आका दुनिया ते आए तो मेरे आका ने और सार अपनी शान को अपनी जवान का बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मरियम इंज करी उस अपने पुत्रा इशारा कर देवी तेरा बेटा जाने ते मैं खुदा जा इशारा कर देनी। छोटा जिया बच्चा तीन घंटे उम्र थोड़ी जी उम्र मुबारक हजरत ईसा नबी जनाबाद इस्लाम दी जो कबीले वाले आए ना उन्होंने आख्या मरियम एक एक कीते बच्चा जम छड़िया है आपने ना फरमाया फरसारत की दे आपने इशारा किया ऐते बोलो पूछो आ जेड़ा पंडोरे अंदर आ उन आख्या मरियम अस वादत थोड़े हां कानु कैफा नुकल्ले मन का न फिर बाद सबिया कदी पंडोरिया अंदर बच्चे बोलिया करते ने मेरे दोस्त मैं आता है पंडोरिया अंदर बच्चे नहीं बोलिया करते अल्लाह के नबी पंडोरिया अंदर भी बोलिया करते ने आपने जवाब इरशाद फरमाया है आपने फरमाया मोहब्बत
सुनो मेरे करीम आका का वो खुतबा मुल्ला अली कारी शारे सही बुखारी आपने इस खुतबे को रिवायत किया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व बरकातुहु आपने फरमाया इल्ली सदे कदे दे दो का
गर्दाएं जिस दौर अंदर जिस मुआशरे अंदर मेरे आका आए, ना माँ का हया, ना बाप का हया, ना वीरा का हया, ना मेरे दोस्तों दोस्तों का हया आए, मेरा सोना दुनिया ते आया, मेरे आका ने सारे अंदर दिलों को इन पाक किया है, इन साफ किया है। अरे ओ बेटा सगी मां नो मंडी अंदर जाके ले जाता है, उत्ते जाके गोडियां लगाना, उत्ते जाके आखना है कोई मेरी मां नो खरीदने वाला, है कोई मेरी मां नो लाडी बनाने वाला, है कोई मेरी मां नो बरादरी बनाने वाला, बरादरा ने दी करार ये मां का हाल रे आए। अरे मामा नो सदा पुत्र मंडी अंदर में इसके आ रे आए, बड़े तेरे मेरे आका ने दमो रे आए, मेरे आका के नियत से आए, मेरे आका ने फरमाया ओ मामा नो बेचने वाले आए, ओ मामा नो डांडिया बनाने वाले आए, मेरे आका ने फरमाया तर्जमा रोमी ने कश्मीर अल्लाह के लिए मामा दक्षर फदुल्ला आए, आपने फरमाया मेरे आका फरमा रहे ने माते लेकिन मेरे दोस्तों मेरे आका जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं
मेरे करीम आका ने फरमाया उठ मेरे हवाले करो, उठ मुस्तफा के हवाले किया। मेरे आका ने बात पकड़ी तो मेरे आका लेके चले गए। जब उन्होंने अखा के सामने उठ लोई ना कोई मेरे आका की चाल न बेदी थे, कोई मुस्तफा के किरदार न बेदा डेरे का पता है सारे यार संत कोई नहीं पता तू मालक है उठ पिया बेचना है मार मार के स्टार्ट करा।
Let it go.
गुलाम ओ कमीने वाले उस मेरे आका ने साहबी के पीछे पीछे जब आए ना मस्जिद नबवी अंदर मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम ओ मेरे सोनिया इन्ना सारे नाल लाया नहीं आके सोनिया मैं नू अल्लाह रब्बिया कोई बिरले जान बचावे खुल को देने मौले दुनिया कोई बिरले जान बचावे सोनिया तो आड़े खुल के ने तो आड़े खल के ने तो आड़े किरदार ने यार रसूल अल्लाह इन्ना ने अपना दीवाना बना लिया मेरे आका ने फरमाया ओ खैमे वाले हो ओ कबीले वाले हो तुसा आ गए हो यार रसूल अल्लाह आ गए हो मेरे आका ने फरमाया खजूरा खाओ पैसे लगो याद रखे मैं मजाक बड़ा सुख
मेरिया नेमत का अगर तुसने कुफराने नेमत किया मेरिया नेमत का इनकार किया शुक्र ना किया मेरे रब को बड़ा सख्त अजाब है फरमाया इन्ना अजाबी लशदीद मेरा अजाब बड़ा सख्त है मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। तो दोस्ताने गिरामी कदर करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अल्लाह ने बहुत बड़ी तुहाडे और मेरे वास्ते नेमत बनाया है ये शुक्र ही जारा ने बाबा दा पहली उम्मत गुनाह कर दिया आनी उन्होंने चेहरे मस्क हो गए थे शक्ल बिगड़ जानिया शक्ल चेंज हो जानिया दरवाजे से देखिया जाता ये सदके मुस्तफा दा असा कितने गुनाह करते हैं अल्लाह बात भी नहीं अजाब देता अल्लाह बात भी नू तकलीफा देता मैं आख्या भाइया ओ मेरे सोने इंदे अंदर तेरा मेरा कमाल नो इंदे अंदर रब नो तेरा मेरा मुंह नजर नू मुस्तफा करीम की मोहब्बत तकादा कर दिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो आप तेरे हैं। इकबाल ने क्या खूबसूरत फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे तुम्हारी वफा कर सही ना आए मोहब्बत कर मुस्तफा के नाम और वक्त दूर नहीं और टाइम दूर नहीं अख बंद होगी सामने चेहरा है मुस्तफा नजर सामने तेरे मेरे आका नजर आ जाएंगे लेकिन कदों मेरे दोस्त कदों तेरा मेरा किरदार मुस्तफा के किरदार वर्गा हो जाएगा तेरा मेरा अंदाज मुस्तफा के अंदाज वर्गा हो जाएगा फिर अल्लाह इज्जत इज्जता मकामी मकाम देगा मैं शेर के नाल अपनी गुफ्तगु नो मैं डब करांगा ले ओ यार हवाले रब दे तमेले चार मांग लेना